नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर से सब्सक्राइबर से हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जो नहीं है वो भी खुश रहे। एक बार एक कमेंट आई थी, मैडम जो नहीं है क्या वो खुश नहीं रह सकते? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी ये दुनिया चलाने वाला कोई और है, हमारे हाथ में सिर्फ विश करना, अच्छी विश करना सबके लिए करनी चाहिए। दोस्तों ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें। अच्छी जानकारी को शेयर करना पुण्य का काम है, घर बैठे पुण्य कमाने वाला काम है, जरूर करें। आजकल के जमाने में एक चीज मैंने देखी है, यदि व्यक्ति किसी भी तरीके से, इकोनॉमिकल ढंग से, शारीरिक ढंग से, कोई भी तरीके से थोड़ा सा भी कमजोर है तो उसको बहुत अलग अलग तरीके से दबाया जाता है, परेशान किया जाता है, है ना? समाज के ठेकेदार बहुत ज्यादा प्रमाण में अस्तित्व में है, क्योंकि वो टपोरी टाइप होते हैं, उनका बिजनेस ही ये होता है। तो जहां कमजोर व्यक्ति मिला उससे पैसे लेकर के, क्योंकि उनको इसी तरीके से घर चलाना होता है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा प्रमाण में है। व्यक्ति बिना कारण परेशान हो रहे हैं। हमारे कई सब्सक्राइबर्स कि मैडम शत्रु नाश की वीडियो बनाए, ये जो उपाय बता रही हूँ इस उपाय को आप करें, ये इस उपाय को करने से कैसा भी शत्रु होगा उसका नाश जरूर होगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म होंगी। लेकिन मैं पहले बता दूं कि छोटी मोटी अदावत के लिए, ईर्ष्या के लिए, मतलब कोई यदि थोड़ा आगे जा रहा है तो क्या है, जो जो पीछे रह जाते हैं उनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, फिर वो अच्छा भी बोलता है तो बुरा लगता है, ओहो पैसे आ गए तेवर बदल गए। अगर ऐसी दुश्मनी है तो टाल दी। अड़ोस पड़ोस में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसके लिए भी यदि आप उपाय करने जा रहे हैं छोड़ दें, ना करें। वैसे भी दोस्तों माफ कर देने में बड़ी ताकत है। आप देखना व्यक्ति जल्दी किसी को माफ नहीं कर पाता है ना, कहीं ना कहीं कई बार हम माफ करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कशक रह जाती है कि ना मौका तो मिलने दो, आज नहीं तो कभी मौका मिलने दो, ये चीज हमारे अंदर पड़ी रह जाती है। लेकिन जिस दिन हम अंदर से सच में माफ करने लग जाएंगे उस दिन वो जो अपराधी है वो तो वहीं पड़े रहेंगे, आप बहुत आगे निकल जाओगे, है ना? लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें माफ कर देने में बड़ा खतरा होता है, तो वहां शत्रुनाश के उपाय काम आते हैं, करने चाहिए। इस उपाय को करने से शत्रुनाश भी होता है, कोई बड़ी बीमारी है उससे भी आपको राहत मिलती है, कोई ऐसी चीज जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी उपाय दोस्तों मैंने बताया कई लोगों ने जब किया था इसको बहुत अलग अलग अनुभव हुए। जैसे कि मैंने नंबर्स की वीडियो डाली तो उस वीडियो का एक ही पर्पस था कि आपको उससे मनी मिले, पैसे मिले। लेकिन कुछ लोगों ने लिखा कि इस नंबर को लिखने से मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई। इस नंबर को लिखने से बीमारी नहीं जा रही थी, बीमारी गई। जबकि बीमारी का नंबर अलग है, शादी का अलग है, लेकिन जो नंबर्स होते हैं उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है। ऐसे ये जो उपाय हैं, जैसे हमने नमक का कोई उपाय कर दिया, अब वो नमक का उपाय नेगेटिविटी को तो दूर करता ही है, लेकिन साथ में जैसे आपके घर में कोई रोग है, शत्रु परेशान करता है, तो उन तमाम चीजों को भी लेकर के चीज चली जाती है, है ना? तो ऐसे ये उपाय शत्रु नाश के लिए तो है ही है, उसी के साथ वो दूसरे तमाम चीजें जिसको आप लाइक बिल्कुल नहीं करते और आप चाहते हैं कि ये चीज मेरी लाइफ से चली जाए, बिल्कुल गायब हो जाए, फटाक से फुर हो जाए, है ना? तो आप इस उपाय को जरूर करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये उपाय यदि आप संडे को करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, इसके सिवाय आप सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार, थर्सडे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा संडे, सैटरडे और ट्यूसडे, ये तीन दिन ज्यादा इफेक्ट होगी, उसके बाद आप गुरुवार को भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन तीन दिनों में जल्दी करें, तो मतलब करने की कोशिश करें। तो आपको क्या करना है, भांग लेनी है, भांग दुकानों में मिल जाती है, और आपको सेंधा नमक लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है, भांग और सेंधा नमक दोनों को आपको मिक्स करना है। और जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, दोस्तों बर्बाद हो जाएगा, लिख लो,
यदि सच में आप निर्दोष है और कोई दोषी है। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, कई बार आप बोलते हैं कि हमारे शत्रु को कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत फहमी में हो सकता है वो व्यक्ति आपका शत्रु हो ही नहीं। कई बार ऐसी कोई घटनाएं घट जाती है कि हम अमुक लोगों को शत्रु मान बैठते हैं। मतभेद होना शत्रुता नहीं होती। आप किसी चीज में कोई और विचार रखते हैं, सामने वाला कोई और विचार रखता है, तो हम उसको शत्रु मान बैठते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे। एक व्यक्ति तो खास मेरे दिमाग में है, उसके घर में हर 15 दिन में कोई ना कोई प्रसंग करके बैठ जाता था, और जो व्यक्ति उसके घर में ना आए वो उसका शत्रु हो जाता था। वो उसके परिवार के दूसरे मेंबर से उसकी कंप्लेन करने लगता था कि आपके घर के ये मेंबर को वो बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, वो हमारे घर में नहीं आते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप जब भी ढोलक बजाओ हर व्यक्ति हाजिर हो। अरे किसको आ भी पाता है, कोई नहीं भी आ पाता, लेकिन उस चीज को यदि आप शत्रुता मानते हैं और उसके खिलाफ आप उपाय करते हैं तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे कि जब आप उपाय करते हैं पहले तो ये फाइनल करें कि सच में आपका शत्रु नहीं है, उसको कुछ नहीं होगा। तो यदि कोई व्यक्ति विशेष से आपका शत्रु है, सच में शत्रु है, आप उसका नाम उस भान के ऊपर किसी भी लकड़ी वकड़ी से लिख दें, छोटे से एक अक्षर में, गरीबी है, कोई बीमारी है, आप उसको भी एक अक्षर में लिखें। यदि कोई व्यक्ति विशेष बीमार है तो उस भांग को और सेंधा नमक को 7 बार उसके ऊपर से पहले उबार लें, उसके बाद में आप उसके ऊपर बीमारी ये शब्द लिखें। उसके बाद में आप अपने पूजा स्थान में अपनी कुल देवी के सामने दीपक जलाएं, दीपक सरसों के तेल का जलाएं, और ये जो भांग है इसकी ऐसे ऐसे ऐसी बातें जैसे बना लें और उसमें लगा करके इसको जला दें, बस। और रिजल्ट देखिए। हो सकता है एक बार में यदि आपको ऐसा लगता है कि पूरा इफेक्ट नहीं हुआ तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 बार करो, बहुत ही आराम से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। करके देखिए क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी दोस्तों कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम फ्रॉड लोग हैं, मेरा फेस यूज करते हैं और नंबर अपना डाल देते हैं। सावधान रहें इनसे। जय श्री कृष्ण।